हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एस फॉर लाइफ में। मेरे चैनल पे आपको बहुत तरह के फूड रेसिपीज, लाइफस्टाइल और ट्रैवल ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रील्स और फोटोज़ डालती रहती हूँ। तो इंस्टा का आईडी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है चिंगड़ी पटर। जी हाँ, ये एक बंगाली रेसिपी है। अगर आप बंगाली फूड पसंद करते हैं तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए झटपट से रेसिपी को बनाते हैं। चिंगड़ी पटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पटर लिया है, इसे मैंने काट कर धो लिया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर मिला लूँगी। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। चिंगड़ी पटल की सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स चिंगड़ी है, तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चिंगड़ी फिश लिया है, इसे मैंने धो लिया अच्छी तरह से छिलके उतार कर, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला दे रही हूँ। मसालों में मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1 टेबलस्पून दही लिया है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के ऑनियन को चॉप्ड काट लिया है, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च और फोड़न के लिए मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले लिए हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें अब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, लगभग 4 टेबलस्पून तेल डाला है मैंने, और ये पूरा रेसिपी मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें पटल को डाल दे रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से डार्क ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। पटल की निरामिष सब्जी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए मेरी पटल अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। अभी ऑयल थोड़ा कम लग रही है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दे रही हूँ, मतलब लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है इसमें, और इस ऑयल में अब मैं आलू को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लूँगी। पटल में मैंने हल्दी नमक पहले से ऐड कर दिया था, बट इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, तो अभी फ्राई करते समय मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इसे फ्राई करूँगी। किसी भी सब्जी में फ्राई करते समय अगर आप हल्दी नमक डालकर फ्राई करते हैं तो उससे सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल डार्क ब्राउन करके मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। आलू पटल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ताकि ये ऑलमोस्ट 75% कुक हो चुकी है, बाकी जो 25% है वो मसालों के साथ जब मैं इसे फ्राई करूँगी वो कुक हो जाएगी। अब इसी तेल में मैं फिश को भी फ्राई कर लूँगी। चिंगड़ी बोले या प्रॉन, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये देखिए कलर इसका चेंज हो जाएगा और ये लाल हो जाती है, तो बस ये लाल होने तक ही वेट करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है, इसमें मैं तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले जो मैंने लिए हैं वो डाल दे रही हूँ, और इसे हल्का सा चला लूँगी, और इसके बाद फिर मैं ऑनियन को ऐड कर दूँगी इसमें। ऑलरेडी मैंने पटल, आलू सब कुछ फ्राई कर लिया है, तो उसमें भी बहुत सारा ऑयल है,
इसलिए मसाला फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। ये देखिए ऑनियन मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ और इसे जस्ट चला लूँगी एक बार। टमाटर भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसके बाद मैंने जो सूखे मसाले लिए हैं जैसे जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब कुछ डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो जल जाएंगे। सब कुछ डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, मसाले जो सूखे थे उसे धोकर डाल दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये भून पाऊँ क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो जल जाते हैं जल्दी। और इन मसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। आपने मेरा पहले का भी रेसिपी अगर देखा होगा तो पता होगा कि मैं मसालों को अच्छी तरह से भूनती हूँ, इससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। अब मैंने जो हरी मिर्च लिया था उसे बीच से काट कर डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च को पेस्ट बनाकर नहीं डाला, बस 3 हरी मिर्च डाला है मैंने जिसे बीच से काट कर मैं डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट अभी अच्छा आएगा और जितना तीखापन चाहिए उतना आ जाएगा। अब मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। दही ज़्यादा ठंडा नहीं है, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था और गैस को इस समय लो फ्लेम पर कर दूँगी, नहीं तो दही फट जाती है और इसे कंटिन्यू चलाना है। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं पटल और आलू ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। सब्जी मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। जैसा कि मैंने इसमें दही डाला है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, लगभग 1/2 टीस्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और जैसा कि ये एक बंगाली रेसिपी है तो चीनी डालने से इसमें एक बंगाली डिश का फ्लेवर भी मिलेगा आपको। अब मैं इसमें चिंगड़ी मछली को डाल दे रही हूँ और इसे मिला लूँगी। कुछ लोग सोचते हैं कि चीनी डालने से सब्जी मीठी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। शादी घर में भी जब हलवाई खाना बनाते हैं तो वो चीनी का यूज़ करते हैं, इससे जस्ट एक टेस्ट आता है। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, लगभग 2 कप मैंने पानी डाला है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रखें, मैं इसमें हल्का सा ग्रेवी रखूँगी। देखिए सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है। और इस तरह से आप एक बार बना कर देखें, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी और उसके बाद देखिए सब्जी मेरी पूरी तरह से तैयार है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप में से भी बहुत से लोग इस रेसिपी को जानते होंगे, बट मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। चिंगड़ी पटल की ये रेसिपी मेरी रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आज की ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।